पुलिस चार्जशीट के अनुसार पे गैर इरादन हत्या का आरोप कुछ पे में होमिसाइड लगा एक लेटर टाइप का कर टाइप सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब पटियाला पुलिस आदरणीय सर इंस्पेक्टर हनुमान सिंह वल दशरथ सिंह वल जनरल सिंह आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक कोर्ट केस जो कि निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था हायर कोर्ट में पेशी की तारीख के लिए नथी हुआ है। आदरणीय साहब आपसे नम्र निवेदन है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला ना सुना देता फाइनल वर्डिक्ट ना दे देता तब तक मुझे मेरी सेवाओं से निलंबित कर दिया जाए। सर साहब नहीं सर साहब बाप में प्रोसीजर है तो हवलदार ललित मोहन हवलदार है क्या हलवाई है भाई ऐसे लेडीज की तरह टसू आ रहा है तू तो ठीक है भाई चिंता ना करवाओ ले कुछ ना होगा तेरे सर साहब को कुछ भी ना
प्रार्थी सरदार सिंह चौटाला का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह अपनी पत्नी और सरदार सिंह चौटाला की सुपुत्री श्रीमती इमरती सिंह की असमय मौत के जिम्मेदार हैं। अरे मिनी, क्या हुआ, क्या गिर गया? कुछ नहीं बेब। अच्छा चल आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ? भूख नहीं है मुझे। क्यों, क्या हुआ मिनी, तू किसी बात को लेके परेशान है क्या? मैं नहीं, मैं परेशान क्यों होंगी? नहीं मैं तो इसलिए बोल रही थी, मुझे भूख नहीं, मन नहीं है यार, इतना सब कुछ खा लिया ऑलरेडी। पूजा थी, प्रसाद था, इतना सारा शुगर की, फिर बीजे ने भी पता नहीं क्या क्या खिला दिया, लड्डू बर्फी एंड ऑल दैट, तो काफी अभी हो गया। फिर उससे पहले तो मैं कैफे भी गई थी ना प्रीत और मिक्की के साथ, तो उधर कॉफी पी, सैंडविच खाया, तो अभी मन नहीं है। अच्छा मिनी, नींबू पानी बना दूं क्या तेरे लिए? नहीं बाद में बेब, अभी नहीं। अच्छा मैं ना ये नीचे खाना रख के आती हूँ तेरे हनुमान अंकल के लिए। पता नहीं आज अचानक से क्या हो गया, चले गए, वो खाना भी नहीं खाया, न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई। तूने वो तेरे लाला अंकल को फोन करके बात की क्या? अच्छा चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, कुछ इमरजेंसी हो, वो खुद ही आके बता देंगे। चल मैं खाना है ना नीचे रख के आती हूँ। चचकी के समय इमरती जी की डेथ हो गई थी ना, क्या हुआ था उन्हें, बच्चा बच्ची क्या हुआ था? नहीं भी जी, देखिए ठीक कट रही है ना, अब तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी आ गई है। नहीं भी, मैं कुछ पूछना चाहती थी आपसे। जी वो आपने देखा था जब हनुमान पूजा में आया था तो? हाँ क्यों? अरे आपने नहीं देखा, जब वो पूजा में बैठा था तो संकल्प लेते हुए उसने अपने आप को मिनी का बाप बताया, तो मेरे मन में भी ना एक उम्मीद सी जग गई है। क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है ऐसा कि हनुमान और बबीता एक दूसरे? मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहिए ना। मैंने आपसे एक झूठ बोला है। क्या? इमरती चचकी में नहीं गई थी।
ठीक तो है ना? मतलब वो अचानक से चले गए थे और प्रसाद भी नहीं लिया था, फिर आए भी इतनी देरी से, तो कोई बहुत जरूरी काम आ गया था क्या? इमरजेंसी थी कोई? दोपहर में भी आपने कुछ खाया नहीं था ना? वो पूजा की तैयारी वगैरह में लगे रहे, और अभी भी इतनी देर से आए तो। बजरंगबली, ईब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने माफ कर देना। ये खाना लगाया ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर दूं? मन्ने नहीं खाना खाना किरायेदारनी जी। भाई मेरे पीछे पे क्यों पड़ी हो आप? आप ऐसे क्यों बर्ताव करने लग जाते हैं अचानक से? मैं तो परेशान थी ना आपके लिए, कब से सोचती थी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चले गए, न जाने कौन सा काम आ गया होगा। प्रसाद भी नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्यों का क्या मतलब है? मन नहीं कर रहा था मेरा, सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से आप क्यों चले। मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी भी हो आप, पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो, उसको कैसे बिसराए बैठी हो आप? अरे माना कि बाप नहीं है छोरी का, इसका मतलब थोड़ी कि दर दर की ठोकरे खाती भी रहेगी, मारी मारी फिरेगी। माँ तो है, अनाथ तो ना कहलाएगी कम से कम। मारी सोच रही है उधर उधर की, मारा नहीं हाथ जोड़े आपके, अपने बारे में सोचो, अपनी छोरी के बारे में सोचो, मारे चक्कर के अंदर ना पड़ो आप। ये खा लिया क्या, ये पी लिया क्या, मारी जो मर्जी मैं खाऊं, मारी मर्जी हो जो पीऊं, आप क्यों आधी हो जा रही उस चक्कर में? देखो पराए मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना, मर्यादा में रहना अपनी, बच्ची तो होनी कोई छोटी जो आपको समझाऊं मैं। सही कह रहे हैं, मैं अपनी मर्यादा भूल गई थी। ये ढूंढ रहा है हनुमान अंकल, मैंने पढ़ लिया इसमें क्या लिखा है, बट आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि मुझे पता आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं एक सेकंड, मुझे पहले बताओ क्या है ये सब, क्यों लिखा है इसमें ये सब? मरती जी आपकी वाइफ थी ना, बहुत प्यार करते थे उनसे, फाइन आप करते हो उनसे प्यार, तो ये क्या है? ये झूठ है ना हनुमान अंकल? जो देना कर, फाइलो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, आप पहले बताओ झूठ है ना ये? जिस बारे में बताना हो ना छोरी, उस बारे में ज्यादा बहसबाजी ना करते हैं, समझ गई? फाइल दे मैंने वापस। हनुमान अंकल नहीं, मुझे आप पहले बताओ क्यों लिखा ऐसा है? ये सब जो भी लिखा है झूठ है ना, ये सच नहीं है ना हनुमान अंकल? तने कुछ बोल रहा हूँ समझ में ना आ रही तेरे, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? फाइल दे वापस मन्ने। पहले आप मुझे बताओ। ये बताऊँ? फाइल वापस कर। नहीं आप पहले बताओ, ये झूठ है। तने समझा रहा हूँ, तू समझ के ना दे रही है बात को।
ये क्या तरीका है? फाइल दे वापस मने। आप पहले बताओ चुप क्यों? फाइल देना वापस मने। चुप क्यों आप? बोलो जवाब दो मुझे। क्यों लिखा है ऐसा इसपे? ये झूठ है ना हनुमानक? ऐसा नहीं हुआ ना? क्या 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 नॉनसेंस लिखा है इसपे? आप इमरती जी की डेथ के रिस्पॉन्सिबल हो? बल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, हत्या, इमरती जी की हत्या। सच है ये? मैंने मार दिया हमारी इमरती को, मैं ही कारण उसकी मौत का। कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या। हत्या तो हत्या होती है। झूठ, सच, झूठ, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों मुझे जानबूझ के हर्ट करना चाहते हो आप? आपने नहीं मारे, मैं जानती हूँ। क्यों मन को तोड़ दे रहे हो आप? क्यों?
अब ये सब जानने के बाद हम यहां रह नहीं सकते। जी जानता हूं, मैं जा रही हूं ना एमबी के घर मिन्नी को लेकर। चल मिन्नी। नहीं, मैं नहीं जा रही। मैं पूछ नहीं रही हूं तुझसे, बता रही हूं अब हम यहां नहीं रह सकते मिन्नी। एक पल नहीं रुक सकते अब हम यहां पे। चल, मैं नहीं जा रही। नहीं बेब्स, मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूं। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी? कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.